हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ अंडे और आलू से बने हुए बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये इंस्टेंट ब्रेकफास्ट बनाना। आलू और अंडे का बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल में दो अंडे ले लिए हैं और अंडे को हम बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं मसाले कुछ। तो यहां पर अंडे मिक्स हो गए अच्छे से। और यहां पर मैं डाल रही हूं 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर हम स्वाद के अनुसार ले लेंगे, तो 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने सभी चीजें मिक्स कर ली है अंडे में और इसको हम रखते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं और इनको हमें ग्रेट करना है। इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया है और इसे हम मोटे साइड से, जिधर मोटा मोटा आलू ग्रेट हो उधर से ग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आलू को मैंने पहले से ही छिलके हटाकर अच्छे से धो लिया था। यहाँ पर मैंने सभी आलू ग्रेट कर लिए हैं, ये देखिए। और ग्रेट करने के बाद ये सारे आलू इस अंडे में डाल देंगे। और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है और साथ में हम बाकी चीजें भी डाल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याज बारीक कटा हुआ, हरा धनिया काफी सारा और हरी मिर्च ली है स्वाद के अनुसार। तो सभी चीजें इसमें डाल देंगे और डालकर हम सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और साथ में हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नमक डाल ले रही हूँ क्योंकि अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना, तो लास्ट में यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। 1/2 चम्मच से थोड़ा कम मैंने यहाँ पर नमक का यूज किया है। और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि आलू और जो अंडे हमने लिए हैं वो प्रॉपर मिक्स हो जाएं। यहाँ पर मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स कर ली है और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है जिसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंने तेल ले लिया है। और तेल को हम बहुत अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे और पैन को हल्का गर्म कर लेंगे। पैन हमारा हल्का गर्म हो चुका है। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम से लो रखा हुआ है और इस मिक्सचर को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे इस तरीके से बड़े से स्पून में और इसे हम डालेंगे यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पर जैसे भी आप रखना चाहें, छोटे बड़े वैसे साइज यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने इसे फैला लिया है। थोड़ा इसको शेप दे देंगे और यहाँ पर इसको शेप दे देंगे हल्का हल्का इस तरीके से।
आप चाहें तो इसे एक ही बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर तीन बना दिए हैं। और हल्का कैसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि इक्वल हो जाए बिल्कुल, और इसे ढक के पकाएंगे। यहाँ पर मैंने इसे ढक दिया है ताकि ये एक तरफ से बहुत अच्छे से क्रंची सा पक जाए, उसके बाद हम इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे। और इसे अब हम पलट लेते हैं। इस तरीके से और इसे ढक के पका लेंगे दूसरी तरफ से भी। चेक कर लेते हैं और ये दोनों तरफ से देखिए बहुत अच्छा पक चुका है। ये हमारा अंडे और आलू का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आलू इसमें हमने ग्रेट करके डाला है तो आलू भी इसमें पक चुका है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आलू और अंडे का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, खाने में उतना ही टेस्टी है। बाकी जो मिक्सचर बचा हुआ है उसको भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ही बना रही हूँ, बीच में डालकर एक बना रही हूँ। एक एक करके भी बना सकते हैं। और इसे भी वैसे ही पका लेंगे ढककर, जैसे हमने बाकियों को पकाया था। और जब ये एक साइड से पक जाए तो इसे भी हम पलट लेंगे और दोबारा से ढक देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा अंडे और आलू का ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही कम चीज़ों से बनाया है मैंने इसे, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे आप चटनी, केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और कभी भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।